नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में भारतीय मतदाता संगठन आम जनता को जागरूक करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मुहिम चलाई हुए है। हमारे साथ हैं भारतीय मतदाता संगठन के संस्थापक डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन चाह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है, आप भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, आपका संगठन काम कर रहा है, इस पे पहली प्रतिक्रिया के या देश के हित में रहेगा, खर्चा कम होगा, लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा? एक देश एक चुनाव के लिए भारतीय मतदाता संगठन, भारत के मतदाता सब इसे अच्छा मानते हैं। देखिए, ऐसा हर एक लोकतंत्र में होता है, 5 वर्ष में 6 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, हर एक साल 4 बार चुनाव कहीं इधर कहीं उधर होना राजनीति को वर्ष भर गरमाए रखता है। अधिकारियों का, नेताओं का, पब्लिक का ध्यान विकास के काम की तरफ, गवर्नेंस की तरफ से हटा करके चुनावी द्वंद्व में लगा देता है। और जैसे देखिए, अगर 2 चुनाव एक बार में कराएंगे, 5 चुनाव एक बार में कराएंगे, तो खर्चा तो अवश्य कम होगा, लेकिन खर्चे से भी ज़्यादा एनर्जी जो बचती है, काम करने की एनर्जी जो बचती है नेताओं की, अधिकारियों की और जनता की, उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जब यह संभव हो सके तो ऐसा करना निश्चित है। इसमें एक सबसे बड़ी बाधा है मिड टर्म इलेक्शन, जो दल बदल की वजह से या अन्य कारण से विधानसभा लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो उसको भंग करने का रास्ता पहले बंद हो, तब एक देश एक चुनाव संभव हो सकता है। और इसके लिए चुनाव आयोग ने भी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी, भारत सरकार ने भी स्वीकृति दी है कि ऐसा संभव है और करना भी चाहिए। लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी इसमें अभी सहमत नहीं हो पा रही है। तो कोई भी काम सभी राजनीतिक पार्टियों के सहमति से होगा, कभी न कभी ऐसी सहमति बनेगी, अभी नहीं तो अगले आम चुनाव के समय शायद ऐसा करना संभव होगा। डॉक्टर साहब, आप आशावादी हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव सुधार की भी सरकार लगातार बात कर रही है, लेकिन चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, चुनाव लड़ना आम व्यक्ति के लिए या एक ईमानदार व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया है, कहाँ इस जो चुनाव में अड़चन कहाँ पर आ जाती है? देखिए, चुनाव आयोग, लॉ कमीशन सब ये मानते हैं कि चुनाव करने की पद्धति, राजनीतिक पार्टियों पर अंकुश लगाना, ये सब बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। चुनाव में सुधार, पार्टी तंत्र में सुधार, राजनीतिज्ञों का रिफॉर्म, वो जब होगा, जब ही देश में प्रशासन सुधार, पुलिस का सुधार, आर्थिक सुधार, रिफॉर्म्स, सब तरह के रिफॉर्म संभव हो सकेंगे। बिना सही अधिकारी के, बिना सही जनप्रतिनिधि के, बिना सही लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार के, ऐसा संभव स्वार्थवश, निहित स्वार्थों के, वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरत चुनाव लोकतंत्र में होती है कि अच्छे लोगों के लिए रास्ता बने, सेवाभावी लोगों के लिए रास्ता बने, जो कुछ देश को सेवा करके अपना कुछ समर्पण करना चाहते हैं, ऐसे लोग राजनीति में आए, ऐसे लोग सत्ताधारी हों, न कि जो व्यापार के लिए, पैसा बनाने के लिए आए। अभी अगर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ने वाले थे, माननीय जवाहरलाल नेहरू समझो, लोकनायक जयप्रकाश समझो, सरदार वल्लभ भाई पटेल समझे, राम मनोहर लोहिया समझे, लाल बहादुर शास्त्री समझे, ऐसे व्यक्तित्व अगर हर एक विधानसभा लोकसभा में हो, तो कितना आसानी से लोगों की समस्याओं का हल हो सकता है, विकास की गति तेज़ हो सकती है और लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपने कहा, सही मायने में तो लोकतंत्र की परिभाषा यही है, लेकिन उलट हो रहा है, धन बल, बाहुबल, अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं,
ऐसे में चुनाव आयोग जानकारी भी देता है कि दागी, लेकिन जनता को कैसे पता लगे कि वो दागी? भारतीय मतदाता संगठन ने चुनाव आयोग के सामने ये बात रखी है और मीडिया में भी ये बात जनसंपर्क के दृष्टिकोण से दिया है कि 2019 के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है, तो मतदाता भी अपनी तैयारी करें। सबसे पहली बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी को निवेदन कर रहे हैं कि आपराधिक लोगों को टिकट ना दें, टिकट ना बेचें। स्वयं सेवी सेवा करने वाले जो निस्वार्थी व्यक्तित्व है उनको टिकट दें। तो जब अपराधी व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करता है तो एफिडेविट अपना फाइल करता है, भी मेरे ये मामले हैं और मैं इन मामलों में अपराधी घोषित हुआ हूँ, पेंडिंग है, तो ये जानकारी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर तो डाल देता है, लेकिन हर एक मतदाता तो वेबसाइट नहीं देखता है, जो वेबसाइट देख सकते हैं वो भी नहीं देखते हैं। तो हमारा ये एक निवेदन चुनाव आयोग से किया गया है मतदाताओं की तरफ से कि ऐसे प्रत्याशियों को, कैंडिडेट को एक चिन्हित किया जाए, एक रेड डॉट उनके नाम के आगे बैलेट पेपर में, ईवीएम मशीन के लिस्ट में और चुनाव प्रचार सामग्री में लगाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, वेजिटेरियन है तो ग्रीन डॉट और नॉन वेजिटेरियन आइटम है तो नॉन रेड डॉट, तो आप एक दाग वहाँ पर लगा देंगे नाम के आगे, तो साधारण से साधारण अनपढ़ व्यक्ति वोट देने के पहले ये समझ लेगा कि ये व्यक्ति दागी है। अब उसकी विवेक है कि उसको वोट दे या ना दे। निश्चित रूप से अधिकतर मतदाता उसको वोट नहीं देंगे। हो सकता है कि ऐसे प्रावधान आने पर पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट देने से परहेज करने लगे, क्योंकि बदनामी ज़्यादा होगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि मतदाता न तो वोट बेचे और न ऐसे अपराधी लोगों को खड़ा करने वाली पार्टी को समर्थन दिए, उसका बहिष्कार करे। दूसरी बात जो धन बल की है, लोकतंत्र में कह दिया गया है कि सब एक समान है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर एक वोट देगा, हर एक व्यक्ति किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव को महंगा कर दिया, करोड़ों रुपए में टिकटें बिक रही है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कोई भी सेवाभावी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, योग्य व्यक्ति इतना धन कहाँ से लाएगा? तो राजनीति एक धंधा बनकर रह गई है महंगा चुनाव होने से। तो हमने निवेदन किया है कि चुनाव आयोग के पास शक्ति है, उसका प्रयोग करें। जैसे इंदिरा गांधी अधिक खर्चा करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से निरस्त हो गई, इसी तरह चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान लेके जो ज़्यादा चुनाव में खर्च कर रहे हैं, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों पर केस चलाए स्वयं बिना कंप्लेंट के, और उनको 20 साल के लिए अयोग्य घोषित करें और जीतने वाले की सीट खाली करा के दोबारा चुनाव करें। ऐसा होने से निश्चित रूप से लोग अधिक खर्चा करने से परहेज करेंगे। आज 100% जीतने वाले हारने वाले सब सीमा को उल्लंघन करके ज़्यादा खर्च करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है कि भारतीय मतदाता संगठन जागरूक कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मित्र बने, इसके लिए क्या प्रयास है? क्या मतदाता मित्र बने उसके लिए प्रयास? प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन है, अधिक से अधिक लोग इस विचारधारा में जुड़े, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के चुनाव के समय में लोगों को अधिक से अधिक वोट देने के लिए ले जाएं, उनको प्रेरणा करें। ये 2-4 दिन का काम है। स्वयंसेवी संस्थान मतदाताओं को जागरूक करें कि अपराधी लोगों को वोट न देना, अधिक खर्चा करने वाले को वोट न देना, अपना वोट नहीं बेचना, फ्रीबीज, शराब, नगद पैसा वोट के सामने न लेना, वोट अहिंसक व्यक्ति को ही दें, अतिवादी, आतंकवादी, हिंसा के रास्ते सत्ता लेने वाले लोगों को या पार्टी को वोट नहीं देना। तो इसमें जब हर एक क्षेत्र में, देखिए भारतीय मतदाता संगठन तो एक थिंक टैंक है, ये प्रेरणा दे रहा है ऐसे लोगों को कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, जिससे जो संभव हो इसमें लगें, प्रबुद्ध लोग लगें
और यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है सफलता के लिए कि प्रबुद्ध नागरिक मस्त होकर सुस्त होकर ना बैठे, वो ये ना समझे कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपना जागरूक होकर के लोकतंत्र की अच्छाई के लिए गलत आदमियों का रास्ता रोक के अच्छे आदमियों को समर्थन दे, उनको जीता है, तभी लोकतंत्र सफल होगा, तभी लोगों का सपना सफल होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि लोकतंत्र सही मायने में तब मजबूत होगा जब मतदाता जागरूक होगा और चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का कड़ाई से इस्तेमाल करेगा। आप देखते रहिए ब्रॉडकास्ट मंत्रा।